नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह। और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जयराम सरकार ने 13% बढ़ाया योजना आकार। प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में खर्च होंगे 7100 करोड़। हिमाचल में सर्दी का सितम, जमने लगे नदी नाले। शिमला में 4 साल बाद सबसे ठंडी रात। मनाली में प्रदेश का पहला स्नो पार्क तैयार। अब 6 महीने तक हो पाएंगे बर्फ के दीदार। नशे में टल्ली पुलिस अफसर ने रौंदा युवक, घायल को अस्पताल पहुंचा, मौके पर से फरार आरोपी सस्पेंड। पाकिस्तान के निशाने पर हमीरपुर, शातिरों ने फोन कॉल कर लूट लिए 7 लाख। बिहार की ट्रेस हुई लोकेशन। और नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीती हिमाचली बेटियां, छत्तीसगढ़ में 8 अंकों से हराया पंजाब। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। कृषकवासियों को नए वर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता रहे, इसकी भी मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के आगमन में कृषकवासियों को हार्दिक बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में ऐसा ही विकास चलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। और अब समाचार विस्तार से। जयराम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य योजना आकार में 13% की वृद्धि कर 7100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2018-19 की तुलना में ये राशि 800 करोड़ रुपए से अधिक है। शुक्रवार को सोलन, सिरमौर तथा शिमला के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा कर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के तहत विधायकों की प्राथमिकताओं के कार्यों के क्रियान्वयन में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार पिछले एक वर्ष के दौरान केंद्र से 9,500 करोड़ की 6 प्रमुख योजनाएं हासिल करने में सफल रही है। इससे प्रदेश में पर्यटन, बागवानी, मशरूम, पेयजल संवर्धन और वन प्रबंधन में लाभ मिलेगा। हार्ड जमा देने वाली ठंड से हिमाचल सुन्न हो गया है। जाड़ा इस कदर सितम ढहाने लगा है कि नदी नाले भी जमने लग गए हैं। गुरुवार की रात हिमाचल की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। शिमला में तो ठंड ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रात को राजधानी का पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं केलांग में पारा -7 और पांगी का -8 दर्ज किया गया। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू का पारा कुछ दिनों से लगातार जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। इससे यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी हो जाएगा। मैदानी इलाकों में 3 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार को धूप तो खिली रही, लेकिन इससे यहां पर ठिठुरन से कोई राहत नहीं मिल पाई। उधर बर्फबारी की आस में सैलानियों ने शिमला और मनाली का रुख कर लिया है। मनाली आने वाले सैलानियों को अब साल के 6 महीने बर्फ से अटखेलियां करने का मौका मिलेगा। पर्यटक नगरी के सोलंग नाला के पास 5 बीघा जमीन पर प्रदेश का पहला स्नो पार्क बनकर तैयार हो गया है। यहां पर बड़े स्तर पर बर्फ जमाकर खेल प्रेमियों को सौगात दी जाएगी। बर्फ इस तरह से तैयार की जाएगी कि यहां आने वाले सैलानी आसानी से स्नोमैन भी बना सकेंगे। मनाली के ही कुछ स्थानीय कारोबारियों ने निजी भूमि पर यह पार्क तैयार किया है। यूरोप से 60 लाख की मशीन लाकर सोलंग नाला में बकायदा बर्फ भी तैयार कर दी गई है। स्नो पार्क के प्रमोटर रोशन ठाकुर का कहना है कि मनाली घूमने आने वाले सैलानियों को पिछले कुछ समय से बर्फ के दीदार नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में दोस्तों के साथ मिलकर इस स्नो पार्क को बनाने की प्लानिंग की गई, जहां सैलानियों को बर्फ देखने व उसमें खेलने का मौका मिले। उन्होंने बताया उनका पहला ही ट्रायल सफल रहा। इससे अब यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अब किसी भी मौसम में सोलंग नाला आइए और यहां पर जमकर मस्ती कीजिए। शराब पीकर गाड़ी न चलाने की नसीहत देने वाली पुलिस का एक अधिकारी राहगीर की जान का दुश्मन बन बैठा।
पोंटा नाहन एनएच पर पूर्ववाला के पास नशे में धुत पुलिस अफसर ने सड़क किनारे खड़े युवक को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पुलिस अफसर नशे में पूरी तरह से धुत था। टल्ली अफसर ने घायल युवक को पोंटा अस्पताल पहुंचाया और खुद मौके पर से फरार हो गया। उधर विभाग ने शिकायत दर्ज कर तुरंत प्रभाव से आरोपी अफसर को सस्पेंड कर दिया है। एडिशनल एसपी वीरेंद्र ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। ईएसआई विद्यासागर जिसने के शराबी रखी थी और उसमें के गाड़ी चलाते हुए किसी राहगीर को उसने हिट कर दिया था, जो राहगीर को चोट आई थी, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें कार्रवाई करते हुए उसमें मुकदमा भी दर्ज किया है। दारू पी के गाड़ी चलाना ये निंदनीय है, जिसमें के संज्ञान लेते हुए इसमें इसको इमीडिएट इफेक्ट से इसको सस्पेंड भी कर दिया है। बहरहाल घायल युवक की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए पोंटा से नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पाकिस्तान के आईएसडी कोड सहित आईफोन कॉल ने हमीरपुर के एक व्यक्ति को 7 लाख का चूना लगा दिया। शातिरों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर पीड़ित के अलग अलग खातों की डिटेल लेकर 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। इसमें एक ही अकाउंट से करीब 2.25 लाख की रकम पर शातिर हाथ साफ कर गए, जबकि 4 और खातों से 5 लाख की नकदी लूट ली गई। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति सब कुछ लुटाने के बाद अब पुलिस के पास पहुंचा है। पीड़ित की जमा पूंजी लूटने वाले इन नटवर लालों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि फोन कॉल की लोकेशन बिहार के दूरदराज के इलाके से ट्रेस हो रही है। पुलिस की टीम बिहार रवाना हो गई है। बता दें कि हमीरपुर में 10 दिन के भीतर ही फ्रॉड के ऐसे 3 केस सामने आ चुके हैं। एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि टीम रवाना हो गई है। तो जो शिकायतकर्ता महिला है उसके पास कोई फ़ोन आया, उन्होंने उससे उसके बैंक के अकाउंट की जानकारी साथ ही साथ ओटीपी और जो पासवर्ड वगैरह थे वो सारी चीज़ें उनसे पूछ ली और उसके बाद ये ठगी का केस हुआ है। उन्होंने सारे करीबन 7 लाख रुपए के आसपास उनकी टोटल इसमें वैल्यू जो थी नुकसान वो उनको हुआ है। इसमें धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके और आगे जाँच बढ़वाई जाए। घर के पास बाबड़ी में सोसाइटी के सेल्समैन की लाश मिलने से धनेड़ के अपर शेर गांव में हड़कंप मच गया। रात को खाना खाकर सोए सेल्समैन का इस तरह शव मिलने से घरवाले भी सकते में हैं। बाबड़ी के बाहर रखी चप्पलों और मोबाइल को देखकर फिलहाल कयास आत्महत्या के लगाए जा रहे हैं, पर घर वालों ने संदिग्ध मौत की आशंका जताकर जांच की मांग उठाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और अब रिपोर्ट आने के बाद ही संदिग्ध मौत के इस मामले पर से पर्दा उठ पाएगा। सेल्समैन की मौत से बूढ़ी माँ, पत्नी, बेटा और 2 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी रमन कुमार मीणा ने कहा है कि पुलिस जांच में जुट गई है। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित इंडियन आइडल सीजन 10 के फाइनलिस्ट मुबारकपुर के मास्टर नितिन अब 1 साल तक सोनी टीवी के लिए गाएंगे। इंडियन आइडल के टॉप 5 में जगह बनाने के बाद सोनी टीवी की ओर से नितिन के साथ 1 साल का करार किया गया है। इसी के तहत मास्टर नितिन 15 फरवरी को शूटिंग के लिए कनाडा रवाना होंगे। इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले के बाद शुक्रवार को ऊना पहुंचे मास्टर नितिन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। नितिन डीएवी स्कूल ऊना गए, जहां पर इस फनकार ने बच्चों के लिए गाना भी गाया। जी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा पूरी आवाम का, जितना का, पूरे हिमाचल के लोगों का, नहीं पूरे देश का, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। फाइनलिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद आप सभी लोगों ने मेरे को दिया है। और इवन कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा दिव्य हिमाचल से अभी से नाता नहीं है, मेरा बहुत टाइम से, हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ हमेशा मेरे को प्यार देते हैं। और मैं ऑलरेडी, आपने जैसे बोला कि एक्सीलेंस अवार्ड में होल्डर हूँ एक बार, और आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हमेशा ऐसे मिलते रहे, ऐसे में काम में। और अब खेल समाचार। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिमाचली बेटियों ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। राजनंद में हिमाचली खिलाड़ियों ने पहले ही मैच में मजबूत पंजाब की टीम को जोरदार पटकनी दे दी। 64वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने पंजाब को 29-21 के अंतर से हराकर टूर्नामेंट में दमदार शुरुआत की। हिमाचल की टीम अपने अगले मैच में अब आंध्र प्रदेश से भिड़ेगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। नए वर्ष पर कृपा जनरल स्टोर करसो की ओर से करसो वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
नया साल आ रहा है, तिलक इंटरप्राइजेज की ओर से सभी शोक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नया साल आने वाला है, शोक वासियों को ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कृपया सेवा का मौका दें, धन्यवाद। नया साल आने वाला है, मेरी ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद। वर्ष 2019 आने वाला है, कृषक वासियों व प्रदेश वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नया वर्ष आपके लिए खुशियां लाए। नव वर्ष आ रहा है, नव वर्ष के आगमन पर कृषक की समस्त जनता वो सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल स्टूडियो से मैं राहुल सुंदन, और अब नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। शिमला के चिड़गांव में दादा ने लूटी नाबालिग पोती की आबरू, आरोपी को अरेस्ट कर पुलिस ने करवाया मेडिकल। घुमारवी के कुलवाड़ी में सड़क किनारे खेल रहा 5 साल का बच्चा कुचला, ट्रक ड्राइवर फरार। हरोली में पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल जुआ खेलते गिरफ्तार, केस दर्ज कर जांच में जुटी खाकी। और प्रदेश में 2 साल की होगी बीएड, कोर्स में फिलहाल नहीं होगा कोई भी फेरबदल। और अब हिमाचली तड़का में आज सुनिए हनी नेगी और पूनम सरमाइका की आवाज में ये किन्नौरी गीत। तेरे कानों रे झूम के शालू है, तोए लोए ओ कितने हजारों के दिन घोड़े तेरे कानों रे झूम के डालो गोरुआ ते सिसनारों के तेरे कानों रे झूम के शालू है मेरे कानों रे झूम का संगिया मोहे लोए शठ हजारों के तेरे मिलने होले से नरतो आज मिली दाशाली चौदरे बड़े एरे शोभले कुनिये घरे शालू रे झूम के चौदरे बड़े एरे शोभले कुनिये घरे एरे झूम के थे मेरे खड़ौने एरे झूम के थे मेरे खड़ौने साई तो देनी सुना रखे तेरे कानोरा नव वर्ष 2019 आने वाला है, सभी कृषक वासियों को ओम इलेक्ट्रॉनिक्स कृषक की तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं धन्यवाद। आने वाला जो 2019 का नव वर्ष है उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी कृषक वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, धन्यवाद। नव वर्ष आ रहा है इसलिए कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। नव वर्ष के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। नया वर्ष आने वाला है 2019 का, हम स्वागत करते हैं और इस नए साल के लिए मैं सभी कृषक वासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। नव वर्ष के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई, धन्यवाद। नमस्कार, नया साल जो आने वाला है इसके लिए श्याम कलेक्शन की ओर से संपूर्ण कृषक वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नव वर्ष 2019 के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नया साल आप सब के लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, धन्यवाद। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नव वर्ष 2019 आने वाला है, प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से 2019 के आगमन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।